हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पाशा की चैनल। तो चलिए आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, सरस्वती पूजा का वीडियो दिखाते हैं कि हमारे यहाँ कैसे मनाया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने यहाँ पर तो रंगोली देख ही लिया कि यहाँ पर बाहर रंगोली बनाया गया। चलिए उससे पहले एंट्री का दिखा देते हैं कि यहाँ पर हम लोग एंट्री कर रहे हैं, मतलब एंट्री का दरवाजा बना रखा गया था जहाँ पर हम लोग अपने सीनियर को, अपने टीचर्स को इनवाइट कर रहे थे, रिसीव कर रहे थे। तो चलिए आपको दिखा देते हैं, उसके बाद चलते हैं अंदर। और ये हम लोग की फ्रेंड्स है, सी देखिए कितना अच्छा डेकोरेट कर रखा गया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अंदर चलना। ये ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको डेकोरेशन और हमारा ये फेस्टिवल, कैसे हम लोग प्रिपेयर किया है। तो चलिए देखते हैं गाइस, चलिए अब चलते हैं अंदर। और रात में देखिए गया ये और भी खूबसूरत लगेगा जब लाइटिंग वाइटिंग बढ़ेगी। तो ये देखिए इधर जो स्टेज दिख रहा है गाइस, ये स्टेज रात में परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया। और ये हमारी सरस्वती माता की लक्षा निर्मितिं हस्तभूषणं प्रतिगृहतां एतानि लक्षा धरन् नानि भगवते श्री सरस्वत्यै नमः। उधर पूजा चल रहा है और हवा भी कितनी तेज है, ठंडी भी है, फिर भी हम लोग बिना स्वेटर के ऐसे तैयार है। और इधर साउंड भी आ रहा है कि पंडित जी कथा करवा रहे हैं और हम लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे पूजा। चलिए बात सरस्वती माँ रक्ष सर्वतो देवी गंधा निदान गृणाम वै भगवते श्री इदम श्रीखंड चंदनम दिव्यम भगवते श्री। इधर पूजा चल रही थी तो सोचा गया चलिए आपको चारों तरफ का डेकोरेशन दिखा देते हैं कि कैसा हो रखा है। तो यहाँ पर पंडित जी कथा करवा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं और पूजा चल रही है। तो चलिए इधर भी दिखाते हैं आपको साइड चारों तरफ घूम के कि कैसा कैसा डेकोरेशन किया है। इधर स्टेज भी बन रखा है साइड में, मैंने दिखाया एंट्री के दौरान ही। तो चलिए देखते हैं। सी गाइस, इधर सीनियर्स लोग को बैठने के लिए, टीचर को बैठने के लिए चेयर लगा रखा गया है। और इधर बहुत सारे लोग खड़े हैं, ये हमारी बैचमेट्स हैं। और इधर देखिए स्टेज, यहाँ पे रात को परफॉर्मेंस होगा। तो चलिए आगे मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा ताकि मैं अपना, मतलब इसमें जो लोग परफॉर्मेंस करें उसको दिखा सकूँ और आप लोग इन्जॉय कर सकें। तो सी गाइस, ऐसे बने रहिए और वीडियो को पूरा देखें, आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए आरती यहाँ पे हो रहा है गाइस, तो चलिए आपको आरती का भी कुछ सीन दिखा देते हैं। और चलिए आप लोग भी शामिल हो जाइए इस आरती में। तो देखिए सब लोग आरती के लिए खड़े हो गए और आरती स्टार्ट भी हो गई है। तो चलिए थोड़ा सा आरती एंजॉय कीजिए। आरती करते हैं, मतलब मैंने सोचा कि भगवान जी को प्रणाम कर लेते हैं। तो इधर मेरी दोस्त रिकॉर्ड कर रही थी। तो और मूर्ति देखिएगा गाइस की कितनी खूबसूरत लग रही है सरस्वती जी माता जी, और उनका मूर्ति बहुत ही भव्य है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो आई विश गाइस कि माँ सरस्वती आपको भी बल बुद्धि विद्या दें, शक्ति दें और आपकी कामना पूर्ण करें। गॉड ब्लेस यू। चलिए अब पूजा खत्म होने के बाद सब कोई देखिए फोटो ले रहे हैं, प्रसाद भी मिलने वाला है। तो चलिए प्रसाद लेके आपसे मिलते हैं। देखिए हम लोग प्रसाद अब ले रहे हैं, देखिए प्रसाद लेके आप सोचा तो फोटो की जाता है, देखिए खा भी रही है कैसे करके। देखिए सबके हाथ में प्रसाद है। तो चलिए एक बार प्रसाद के साथ भी सबसे मिल लेते हैं। सुजी
चलिए प्रसाद लेने के बाद, पूजा खत्म होने के बाद तो हम लोग थोड़ा सा फोटो ले लेते हैं और शाम को मिलते हैं एक नए लुक के साथ। अभी हमने ट्रेडिशनल लुक प्रिपेयर कर रखा था गाइस, पहन रखा था, तो अब चलिए शाम को मिलते हैं एक न्यू लुक में, मॉडर्न लुक में। तब तक के लिए गाइस इंजॉय करें और वीडियो को कंटिन्यू बने रहे क्योंकि उसमें बहुत सारे मौज मस्ती आने वाला है गाइस, डीजे और परफॉर्मेंस आने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और इसे बड़ा सा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चलिए फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। गाइज अगर कोई अगर मेरे वीडियो चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये ज़रूर बताइएगा गाइज कि आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो और हमारा लुक भी और डेकोरेशन भी गाइज। चलिए अब हम लोग आते हैं शाम का, ये देखिए शाम के टाइम सरस्वती माता जी का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस। सॉन्ग के बाद हम लोग एक राजस्थानी परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं और आई होप गाइस कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए राजस्थान करके को देखने के बाद एक बच्ची का परफॉर्मेंस देखते हैं जो बहुत ही क्यूट सा और प्यारा सा है। गाइज आपने डांस तो देखा ही और चलिए अब आपको ऑडियंस को भी दिखा देते हैं कि ऑडियंस कितना एक्साइटेड है, कितना उत्सुक है और देखिए तालियों की गूंज भी बज रही है। और चलिए फिर एक और परफॉर्मेंस की तरह आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइज हमें थोड़ा सा आरा कर लेते हैं, तो ये गाना आपको भी सुन के डांस करने का मन कर रहा होगा और ये किस मूवी का सॉन्ग है चलिए आप ही गेस करके बताइएगा। और ऐसे ही डांस करते रहिए, मनोरंजन करते रहिए और हमारे साथ एंजॉय करते रहिए गाइस। तो चलिए इस तरीके के साथ एनर्जेटिक डांस के साथ थोड़ा सा हम लोग भी एनर्जी से फूल हो जाते हैं और डांस करते हैं। और ये भी बताइए किसको किसको अच्छे से डांस करने आता है, तो चलिए एनर्जी से भरते हैं और एंजॉय करते हैं। गाइस आप इस एनर्जेटिक वीडियो को देखने के बाद आप भी एनर्जी से फूल हो गए होंगे, तो चलिए ऑडियंस का साउंड सुनते हैं। इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद हमें हमारे राजस्थान की याद आ गई। चलिए गाइस इस परफॉर्मेंस के बाद ऑडियंस का रिएक्शन देखते हैं। साउंड तो आ ही रहा होगा आप लोग को। चलिए इस बंगाली सॉन्ग पे बंगाली डांस पर पेश करते हैं और आप भी इसके साथ एंजॉय कीजिए। सबसे मजेदार बात पता है गाइस इसमें क्या है, इस बंगाली सॉन्ग को परफॉर्म करने के लिए बंगाली कुड़ी ही है जो बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो चलिए इनके साथ एंजॉय करते हैं और मस्ती कीजिए गाइस और इनका स्टेप देखते रहिए गाइस। मतलब कितना प्यारा, कितना क्यूट से परफॉर्म किया गया और जो बहुत प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यादों का है विशाल आकार, क्या बात है, संजो रखा है एक परिवार, एक ही माला के मोती है सब, एक ही माला के मोती है सब, एक ही विद्या के मंदिर के ज्योति है सब, एक ही विद्या के मंदिर के ज्योति है सब। नहीं है ये सिर्फ एम्स का महाविश्वविद्यालय का परिसर, नहीं है ये सिर्फ एम्स महाविश्वविद्यालय का परिसर, ये तो है भक्ति शक्ति से लीन माँ सरस्वती के परिवार का आंगन। डांस देखने के बाद आपने ये तो देखा ही कि एंकरिंग में बताया गया कि कैसे हम लोग एक ही माला के मोती हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और
आगे बढ़ रहे हैं माता सरस्वती माँ की कृपा से। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे और ये देखिए एंटिंग में इन लोग कुछ सिंगर के आवाज़ में जैसे पुराने जमाने और नजर में सिंगर के बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं और फिर आगे का परफॉर्मेंस भी देखते हैं। ख्वाब में आई लेकिन अजीत सिंह को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नहीं कुछ उसमें थोड़ा सा दर्द डालते हैं। रात कली एक ख्वाब में आई पक चुके हैं तो कुछ अलग लेते हुए बुलाते हैं पार्ट फ्रॉम 2K19 बैच। इस फेबुलस गाने को सुनने के बाद हम थोड़ा सा एक्टिंग देखते हैं और एक्टिंग के साथ डांस देखते हैं गाइस। तो ये बताइए कैसा लगा। चलिए डांस देखते देखते ऑडियंस का रिएक्शन भी देखते हैं कि उन्हें कैसा लगता है तो पता चल ही जाएगा आप लोगों को। चलिए इस परफॉर्मेंस को स्लो मोशन में देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए गाइस। और आपको देख के पता चलेगा कि सॉन्ग को परफॉर्मेंस को देखने में कितना हिटिंग हो रहा है। चलिए देखते रहिए हिटिंग सुन लीजिए। अच्छा तो ये बताओ मोदी जी हमेशा शाम को स्पीच क्यों देते हैं? क्योंकि वो एम नहीं पीएम है। लेकिन उसके पापा बोल रहे नहीं 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 तुम्हें ठंड लग जाएगी तो आइसक्रीम कैसे खाएगा? बैठो बैठो ठंड लेगा ना, ठंड नहीं लगेगी। गाइस शूटिंग देखकर और इन लोगों के चेहरे पर स्माइल देखकर तो आपको पता चल ही गया सब कितने एक्साइटेड है और एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए गाइस आप ही हमारे साथ एंजॉय कीजिए और मस्ती से भर जाइए। और चलिए इस वीडियो को भी इसके साथ बने रहिए और नैनो के साथ पतंग भी उड़ाते रहिए और एंजॉय करते रहिए गाइस। और आप देखिए कि मतलब कितना इंटरेस्टिंग इस वीडियो को बनाया गया है और सारे लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं और देखिए सबका हूटिंग साथ में। सुना आपने आवाज़? तो ऐसे ही आप भी चिल्लाते रहिए गाइस, बनते रहिए और देखिए सब कितना हूटिंग करेंगे, कितना इंजॉय करेंगे। और इसमें देखिए सारे लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं और इस सॉन्ग पे सारे लोग साथ में मिलकर परफॉर्मेंस कर रहे हैं और कुछ देर के बाद देखिएगा हाफ हाफ कर में करके बच्चों को और परफॉर्मेंस देते रहेंगे।
it down. इंतजार कर रहे हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट हो चुका है और आप देखते रहिए एंजॉय करते रहिए और सबसे बड़ी बात क्या डांस को देखिए कितना एंजॉय हो रहा है और आप भी कर सकते हैं ये स्टेप कितना ही प्यारा लग रहा है तो चलिए डांस सुनिए और डांस भी सीखते रहिए एंजॉय करते रहिए मार के इतना ज़रूर बताइएगा कि आपको ये परफॉर्मेंस क्या सारे परफॉर्मेंस कैसे लगे और स्पेशली कौन सा परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये गाइस ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और ऐसे एंजॉय करते रहिए तो ये तो सिर्फ ट्रेलर है पिक्चर अभी बाकी इस शो में दिखाया गया इस एक्ट में कि हमारे लाइफ का जितना भी स्टेज है बच्चे से लेकर बच्चे बूढ़े और सबके स्टेज के बारे में बताया गया तो किसी से इंजॉय करें और ये भी था कि आदमी बड़ा होने के बाद फिर बूढ़ा होता है फिर से बच्चा के रूप में बन जाता है तो अपने इस साइकिल को हमेशा याद रखना चाहिए और हमेशा सबको केयर करना चाहिए चलिए आप ये आपको देखने के बाद एक अच्छा सा सॉन्ग सुन लेते हैं देखने से तो पता चली गाइस कि ऑडियंस कितनी एक्साइटेड है सॉन्ग सुनने के लिए अगर परफॉर्मेंस देखने के लिए तो आप भी एक्साइटेड हो जाइए और एंजॉय कीजिए हमारे साथ चलिए गाइस इतना परफॉर्मेंस देखने के बाद एक और परफॉर्मेंस देखते हैं डांस जिसमें बॉयज ग्रुप डांसिंग कर रहे हैं और चलिए एंजॉय करते हैं तो स्टार्ट गाइस Hey!
चलिए गाइस एक पंजाबी परफॉर्मेंस देखने के बाद एक और सॉन्ग पे पंजाबी सॉन्ग पे परफॉर्मेंस देखते हैं और इन्जॉय करते हैं गाइस। और किसी भी परफॉर्मेंस में किसी भी अगर शादी हो तो उसमें अगर पंजाबी तड़का ना लगे तो उसका मज़ा ही नहीं आता गाइस। तो चलिए इस पंजाबी तड़के में थोड़ा सा और रंग डालते हैं और इन्जॉय करते हैं। और ये देखो ऊपर धुंध ऐसा दिखाया जा रहा था, मतलब ठंडा भी था कि उसका भी धुंध था और ऐसे भी धुंध दिखाया जा रहा था गाइस, तो दोनों मिक्सअप हो रखा था। तो चलिए गाइस हमारे साथ बने रहिए और एंजॉय करते रहिए और पंजाबी गाने पे आप ही डांस करते रहिए भंगड़ा। गाइस पंजाबी सॉन्ग पे तो एक चीयर बनता है गाइस, तो प्लीज़ चीयर फॉर दिस सॉन्ग एंड दिस परफॉर्मेंस।
चलिए गाइस थोड़ा सा चुंदी जयपुर की मंगवा लेते हैं और सोने की घर वाइफ भी करवा देते हैं। तो चलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए और एंजॉय करते रहिए गाइस, और गाइस साथ साथ चेयरअप भी करते रहें और एंजॉय भी करते रहें और थोड़ा सा डांस भी करते रहिए गाइस, अपने आप को एंटरटेन करते रहें। और चलिए गाइस अभी सॉन्ग को देखने के बाद एक और परफॉर्मेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं और गेस कीजिए क्या होगा वो। तो चलिए अब हम लोग नगाड़ा संग ढोल बाजे पे डांस करते हैं और आप भी चलिए परफॉर्मेंस। दीपिका पादुकोण का तो डांस आपने देखा ही होगा, वो मूवी में देखा होगा कि कैसे उसने पूरा सॉन्ग में जान डाल दिया था। तो ऐसे ही हमारी छोरियाँ भी यहाँ पर सॉन्ग में जान डाल रही हैं और प्लीज़ इसे इंजॉय करें और मस्ती करें गाइस। करें गाइस फॉर दिस परफॉर्मेंस, जैसे एनर्जेटिक डांस वैसे एनर्जेटिक चेयर भी होना चाहिए गाइस। आप भी थोड़ा सा इसके साथ नगाड़े संग ढोल बजाते रहिए और ढाई ढाई करते रहिए और एंजॉय करते रहिए गाइस। ये स्टेप देखिए गाइस कितना प्यारा किया गया है और अच्छे से इसको परफॉर्म किया गया है। चलिए गाइस फंक्शन खत्म होने के बाद थोड़ा सा डीजे नाइट हो जाए, तो यहाँ पर डीजे अब स्टार्ट हो चुका है और हम लोग खाने के बाद डीजे स्टार्ट कर रहे हैं। मिलते हैं अगले दिन। गाइज सबका डांस देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सब कैसे डांस करते हैं। परफॉर्मेंस तो होता ही है लेकिन जब डीजे होता है तो कोई देखता नहीं किसी को डांस करने आ रहा है चाहे नहीं, सब कूदना और डांस करना एंजॉय करते हैं गाइज। तो चलिए हम लोग भी थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, हम लोग भी एंजॉय करने के साथ थोड़ा सा डांस भी कर लेते हैं। तो चलिए आपको आगे अपने थोड़ा सा डांस के साथ मिलते हैं और मस्ती करते हुए रहते हैं गाइज। गाइज इसमें तो दिखाएंगे कि हायरे मेरी फोटो, हायरे मेरी फोटो पे हम लोग डांस कर रहे हैं। तो चलिए आपको थोड़ा सा दिखा देते कि हम मैं भी थोड़ा सा ठुमका लगा रही हूँ और चलिए आपको पूरा दिखा देते कि सारे लोग डांस करने में बिजी हैं चारों तरफ से। सी गाइज देखिए उधर स्टेज पे भी, इधर लोग नीचे, सारे लोग डांस करने में बिजी हैं। एक बार चारों तरफ देख लीजिए गाइज। हम लोग मस्ती के मग्न में मूड में एकदम मग्न है डांस करने में। तो ऐसे ही चलिए चलते हैं विसर्जन करने।
चलिए गाइस, जब विसर्जन हो जाने के बाद अब लेते हैं हम आपसे इजाज़त और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, और अगेन हैप्पी सरस्वती पूजा। फिर ऐसे पूजा फेस्टिवल मनाते रहिए और इन्जॉय करते रहिए गाइस, और हमारे साथ बने रहिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।